को समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मैं हूँ ऋतिक सर के घर पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूँ। तो मैं तो बड़ा नर्वस हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, लेकिन फीलिंग बड़ी अच्छी वाली आ रही है। लगभग 6 से 7 साल मैंने इंतज़ार किया है इस दिन का कि मैं ऋतिक सर से मिलूं, उनके साथ डांस को परफॉर्म करूं। आज वो दिन पूरा होने वाला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं, मैं भी इतना इधर काम कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर में भी सर आने वाले हैं, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। फीलिंग गुड, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इंदौर के भी और पास मंदसौर। हाँ हाँ, कब आए यहाँ पे फिर? मैं तो 3 दिन हो गया है। 3 दिन से यहाँ? हाँ। आज मिल रहे हो? 3 दिन के लिए क्या किया? ऐसे सोया था। सोया था। So honest तरुण। कहाँ रह रहे हो यहाँ पे? मैं सो रहा हूँ बहुत। बोरीवली। बोरीवली में कहाँ पे? दादू के घर पे। अच्छा। What about injuries? होता गया। फिर डॉक्टर बोला कि यार ऑपरेशन करा ले वरना फिर खराब हो जाएगा। फिर करवाया था। उसके बाद वो बोला था कि डांस नहीं कर सकता है, मार्शल आर्ट्स वगैरह कुछ नहीं कर सकता। मैंने पढ़ा है आपके बारे में, स्पाइन में, एंकल, ब्रेन में। उसके बावजूद भी आप कैसे करते हो? जैसे मुझे तो आप मोटिवेट नहीं, मुझे अपने बारे में पता पड़े। ठीक है अभी? हाँ, पंच वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन मैं डांस करता हूँ ना तब कुछ भी कर लूँ, कुछ नहीं होता। पता नहीं चलता। हाँ, नहीं, कब किया था ये? 2018 में हुआ था। रिसेंटली हुआ? ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी जिम वगैरह भी करता हूँ तो सब ठीक है। तो डिसलोकेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं, वो बताया था आपने? बताया था पर कुछ फर्क नहीं पड़ा था। अच्छा। हाँ, मैं दूंगा आपको एक दो तीन ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो दे वेरी वेरी गुड फॉर डिसलोकेशन, वो मैं बताऊंगा आपको। स्लीप वेरी वेरी स्लीप वेरी वेरी या यू वेरी इंपॉर्टेंट। या आई आल्सो हैड सो मेनी इंजरीज, सो या द डॉक्टर हैड टोल्ड मी दैट I should not dance because of the scoliosis which I had. Scoliosis ke wajah se they said they got scared. They scared me. Scoliosis? Spine. Scoliosis. Spine. So my spine from spine. When you see my spine from the front, it's not straight. It's like this. Mm-hmm. So there's like it's like this. So for that, because of that, the impact causes the spine to, you know, it's not straight. Bend. So you can't take the impact straight. Impact. It goes. That causes like. Slip discs and all. Yeah, see, there's a trained skill that you learn, right? मुझे भी नहीं आता था। नहीं आता था? हाँ, मुझे नहीं आता था। मुझे beats का भी पता नहीं था actually होती क्या है। बस दोस्त ऐसे चढ़ा दिए एक दिन, गणेश चतुर्थी थी स्टेज पे, वो मैंने कर दिए 2-3 मोमेंट, मस्त डांस किया। उसके बाद से फिर कीड़ा लगा। तो आप में था मतलब? था, पर वो पता नहीं था, सीखता गया। हाँ, सीखता गया फिर वो आपको देख लिया मैंने। बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, फिर आपको देख कर सीखता गया। That's amazing. So you have got this. And I wanted to ask one important thing. Like we have a lot of favorite signature steps of yours. Which is your favorite signature step? Yeah. Like, which one? I think. यार मैं खुद वो स्टेप मैं भूल गया। और कौन सा एक है जो ऐसे You know, wow, I enjoyed that. Ghunguru. You know, very, bang very bang? Funny, huh? Ghunguru. So, bang bang is definitely one. Yeah. Yeah. Very good. When there is no demon in your life,
You have to find that love for it. Mm. You have to do it out of love and still reap the same amount of success. Mm. Is that possible? Mm. That should be the exploration of our lives. Just take that guy and just make a film. Blow it up. Absolutely. Yeah, maybe. Okay, okay. Yes, okay, fine. Come. Sure. Can we take pictures? Yeah, yes. Yeah. Yes. Okay, come. Yeah. Also, solo ones and then with the group. Yeah. So come, let's take the pictures here. Priyanka, I'm frozen. Okay. No, who's taking pictures? I'm freezing. Yeah. Are we taking each of these pictures? Yeah. I wish I had a jacket to give you. Haan, le aa, phone le aa. Tarun, yaar, tum bahut khoobsurat ho yaar. Thank you, sir. You're amazing. He is amazing. He is inspiration to me. No, aapse seekha bol raha. Thank you, yaar. Thank you. Thank you, sir. आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था. बेस्ट बेस्ट बेस्ट. ऐसा दिन कभी आ ही नहीं सकता. मुझे पता नहीं था कि मैं सर से ऐसे मिलूँगा. मुझे पता था कि मैं सर से मिलूँगा एक दिन तो कभी ना कभी. लेकिन वो मुझे बुलाएंगे, उनके घर पर इनवाइट करेंगे, ऐसे बातचीत करेंगे और हमको इतना टाइम देंगे, हम सात लोगों को. तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक स्पेशल चीज़ है मेरे लिए. ऐसा लगा कि यार मुझे तो अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है खुद पर कि तू ऋतिक रोशन से मिल के आया. वो मतलब मैं यहाँ पर बैठा था, वो मेरे इतनी पास बैठे थे, वो मेरी बातें सुन रहे हैं. मैंने उनसे बहुत बातें की. उन्होंने मुझसे पूछा कि कब आए मुंबई में. मैं तीन दिन पहले. तीन दिन से क्या कर रहे थे? मैं सो रहा था. मैं बड़े अजीब से जोक मार रहा था उस टाइम पर. उनको देख कर मैं इतना नर्वस हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूँ. मतलब देखता रहूँ, हाँ ऋतिक रोशन सामने बैठे हैं, ऐसी कुछ फीलिंग थी. वो बहुत सही था यार वो टाइम. मतलब मुझे अभी हो ही नहीं, लग ही नहीं रहा है कि मैं सर से मिला हूँ. एक सपने जैसा लग रहा है. उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी इंजरी के बारे में बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में जानना. सर ने ऐसा बोला, इससे बड़ी बातें क्या हो सकती है यार. वो बोले कि तूने मुझे इंस्पायर किया. अरे दिल जीत लिया यार सर. सडनली ये सब कुछ हुआ अचानक से. मुझे कुछ दिनों पहले कॉल आया था उनकी टीम के थ्रू. सर तो मुझे इससे पहले भी कई बार कॉल आ चुके हैं कि हम आपको ऋतिक सर से मिलाएंगे, हमारी बहुत पहचान है, ऐसा वैसा. तो पहले भी मेरे साथ दो तीन बार इससे फ्रॉड हो चुके हैं. तो मुझे लगा इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा. लेकिन वो सब कुछ मतलब असली में था और खुशी का अंदाज़ा नहीं है. मतलब मैंने इतना इंतज़ार किया है. लगभग 6 सालों से मैं उनको मैसेज कर रहा था, उनके हर बर्थडे पे उनको विश करता. उनसे हर चीज़ में इंस्पायर हुआ हूँ मैं. डांसिंग, एक्टिंग, बॉडी बिल्डिंग. डीमोटिवेट होता हूँ तो मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ. वो उनकी वीडियोस देखता हूँ तो मोटिवेशन मिलता है अपने आप में. वो एक तरह से मेरे लिए भगवान की तरह है. और जब वो मिले, सामने बैठे थे मेरे, मेरे लिए किसी के लिए हो ना हो लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है. कुछ वर्ड्स ही नहीं है यार बोलने के लिए. कब एक घंटा ऐसा चला गया कुछ पता ही नहीं चला. एक तो है ना, जब भी कुछ अच्छे दिन आते हैं तो मुझे मेरी तबीयत बिगड़ जाती है. मेरे को सर्दी हो गई थी. सर के सामने बैठे बैठे ऐसा कर रहा था मैं. मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना उस टाइम कि यार क्या 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 कर रहा था. और सर ने हमको उनकी तरफ से ये भी दिया है, जिसमें एक बॉम्बर जैकेट है, जिम वियर है और शूज़ है जो कि मैंने पहन लिए थे. क्योंकि मुझसे शू और वगैरह वो मतलब देख कर रहा नहीं गया तो मैंने पहन लिए थे. तो वो भी दिखाता हूँ मैं आप सभी को. देखो ये वाले शूज़ थे, बहुत सही है यार. मैंने पहन लिए, वीडियोज़ भी बना ली. और उनकी टीम के लोगों ने मुझसे बोला कि हम किसी और के वीडियो देखते हो या ना देखते हो लेकिन हम आपके वीडियो ज़रूर देखते हैं. तो मैंने कहा अरे वाह क्या बात है. इतनी अच्छी फीलिंग्स थी ना उस टाइम पे. इतनी सारी बातें हैं मैं बोल ही नहीं पाता हूँ. हमेशा कई बार ऐसा होता है कि आपको बोलना बहुत कुछ होता है लेकिन आप बोल ही नहीं पाते हो.
क्योंकि आपका समझ ही नहीं आता क्या करें, क्या बोलें, क्या रिएक्ट करें. जैसे अभी मुझे, मैंने सोचा था मुझे बहुत सारी बातें शेयर करनी है आप लोगों के साथ, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा. हालांकि मैं आपको दो तीन बातें और बताता हूँ. हम गए, सबने उनको गले लगाया, हाथ मिलाया. मैं तो देखते ही, मतलब दूर से ही मेरे मन में वो चल रहा था, टिनिंग 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 वैसा. तो एक तो शौक भी था कि यार सर सामने जाकर उनको पैर छुए, हाथ मिलाया, उन्होंने पूछा कैसा है. बात करने में बहुत बहुत सिंपल, मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़े से अगर घमंडी हुए तो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. बिल्कुल एक ऐसा नॉर्मल इंसान से बात कर रहा हूँ ऐसा लगा. बिल्कुल भी उन्हें कभी स्टार वाली फीलिंग उस टाइम पे दिखाई नहीं. एक बिल्कुल सिंपल आदमी की तरह हमसे बातें की, हमारी बातें सुनी. यार इतने बड़े स्टार के साथ बैठा हुआ था मैं, अब तो मेरे शहर का हीरो बन गया हूँ मैं. सब ये आप लोगों की वजह से हुआ है, हमारा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है. मुझे जो भी मिला है उसका श्रेय मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने काम किया, आप सभी को पसंद आया, आप सभी ने इतना सपोर्ट किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया. मगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो अपने काम के थ्रू आया हूँ, और उस काम को बढ़ाया आपने है, उसको प्यार दिया आपने है, उसको फैलाया मेरे काम को आपने है. तो सबसे बड़े हीरो मेरी लाइफ के आप हो, मैं कुछ नहीं हूँ. अगर मैं बन रहा हूँ तो मैं आप सभी की वजह से बन रहा हूँ. सो ठीक है, आज इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं. आज की जो तारीख है ये सुनहरे शब्दों में लिखी जाएगी मेरे लिए. मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था. इस दिन को मैं कभी, एक ड्रीम तो पूरा हो गया, अभी कई सारे ड्रीम्स बाकी है, उनको भी हम धीरे धीरे पूरा करेंगे. मैंने कुछ बातें बोली है कि इस 2023 में जो मैं करने वाला हूँ, और कमिंग सून है सारी. बने रहो मेरे साथ. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब करो. तुम्हारे भाई का चैनल है, नहीं नहीं भाई नहीं बोल सकता यार, लड़कियाँ भी देखती है, फिर उनकी भावनाओं को ठेस में नहीं पहुँचाना चाहता. तो ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो. इंस्टा पर जाकर फॉलो कर लेना, अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता हूँ मैं वहाँ पर, और ऐसे ही सपोर्ट करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि पता नहीं कब आने वाला है. नींद बड़ी आ रही है, रात की 11 से ज़्यादा बज चुके हैं. ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल. सो सर की तरफ से ये मिला है, अब पेन के नाचूंगा इसको. लव यू सर.